जहाँ रोशन थी इश्क की गलियाँ, वहाँ वीरानियाँ बसती हैं। जहाँ चराग जलते थे दोस्तों की महफिलों की, वहाँ सुनसान दिखाई देती हैं सड़कें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके चैनल जेके लाइव्स रॉक में। जी हाँ दोस्तों, कोविड के कारण आज हमारी सारी सड़कें, सारी दोस्तियाँ, सभी कुछ वीरान सी दिखाई देती हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी झलक अंडमान के एबरडीन बाज़ार की दिखाने वाली हूँ। ये रात का सीन था, इसीलिए यहाँ पे सुनसान आपको थोड़ी सी सड़कें यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। और यहाँ हम लोग जो हैं मार्केट की आपको रात की झलकी दिखा रहे हैं। ये क्लॉक टावर है, घंटा घर जिसको बोलते हैं। और यहाँ से आपको दिख सकती हैं कि सारी दुकानें, ये रात का 8 या 9 बजे का, 9 बजे का समय था, तो 9 बजे तक मैक्सिमम दुकानें बंद हो जाती हैं। तो अबरडीन बाज़ार यहाँ का सबसे बड़ा बाज़ार है पोर्ट ब्लेयर का, और यहाँ पे आपको ज़रूरत की हर छोटी बड़ी चीज़ जो है वो मिल जाती है। बहुत से लोगों के मन में रहता है कि अरे अंडमान रहते हैं तो पता नहीं वहाँ पर दुकानें हैं कि नहीं, ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अंडमान में आपको ज़रूरत की जितनी छोटी बड़ी चीज़ें हैं दिख जाएंगी। आपको ब्रांड्स दिख रहे होंगे, पैनासोनिक, सैमसंग, और ये पान की कुछ दुकानें हैं, जूस की फार्मेसी है, अपोलो फार्मेसी जो रात में खुली हुई थी गुरुद्वारा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, रात की शूटिंग ली है इसीलिए यहाँ पर ये आपको सुनसान दिखाई दे रहा होगा। ये आनंदा रेस्टोरेंट है, यहाँ का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ पर। तो आप लोग आए तो यहाँ पर खाना ट्राई कर सकते हैं। वेज फूड मिलता है, स्पेशली नॉर्थ इंडियन लोग जो होते हैं वो वेज फूड प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है वेज फूड के लिए। ये जो रात का सीन मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके साथ ही देखिए वेज फूड लिखा हुआ है। इसके साथ मैं आपको एक दिन का भी सीन दिखाऊंगी अभी आगे चल के। वीडियो को देखते रहिएगा, और इस पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम 100 लाइक्स तक इसको पहुंचा दीजिए। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, ये मत भूलिएगा कि कोविड के टाइम पर मैं बाहर घूम रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, बिल्कुल सेफ़ नहीं है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सारी वीडियोज़ मैंने बहुत पहले बनाई थी, और क्योंकि अब ट्रैवल व्लॉग्स शूट नहीं कर सकती हूँ मैं, देखिए सेफ्टी का मामला है, तो मैंने सोचा कि मैं जो पुराने व्लॉग्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और माफ़ कीजिएगा, आने वाले कुछ समय में मैं ट्रैवल व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी जब तक कि हालात जो हैं वो नॉर्मल ना हो जाए। ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस है, सबसे बड़ा डाकघर है यहाँ का, ये पोर्ट ब्लेयर का। और यहाँ से सभी लेटर्स टाइम पर पहुँच जाते हैं, हमने जितने भी लेटर्स भेजे, इवन जो नॉर्मल पोस्ट से लेटर मेनलैंड में नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ से मैंने जो नॉर्मल पोस्ट के लेटर्स भेजे वो भी चले जाते हैं। तो सोचिए, यहाँ के लोग बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं। और ये रहा आपके सामने दिन का नज़ारा, देखिए कितनी चहल पहल रहा करती थी जब कोविड के केसेस यहाँ पे ज़ीरो थे, लोग कितने आराम से शॉपिंग करते थे। तो ये यहाँ के कुछ बड़ी बड़ी दुकानें हैं जो बिल्कुल मेन रोड पर हैं, और जो एबरडीन बाज़ार है वहाँ पे 2-3 रोड हैं, और रोड के दोनों तरफ आपको दुकानें मिलेंगी। और आप लोगों से एक और बात कहना चाहूँगी, आने वाले कुछ टाइम में मैं कुछ फ़ैशन वीडियोस शूट करूँगी, क्योंकि देखिए मैं ऑनलाइन सामान मंगा रही हूँ तो मैं उनके वीडियोस डालूँगी, क्योंकि मेरे लिए अभी ट्रैवल व्लॉग कवर करना पॉसिबल नहीं होगा। तो आप लोग देखते रहिए यहाँ का नज़ारा, यहाँ से आप सुवीनियर्स भी खरीद सकते हैं, और ज़रूरत की सभी चीज़ें यहाँ से आप अंडमान से खरीद सकते हैं। जब भी आप आएँ तो आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप एबरडीन बाज़ार जा सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर सिटी के बीचों बीच ये मार्केट स्थित है। और एबरडीन के बारे में मैं आपको इतिहास की एक छोटी सी चीज़ भी बताना चाहूँगी। आप लोगों ने इतिहास में एबरडीन की लड़ाई के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि एबरडीन जो है वो यहाँ के यानी कि अंडमान के निवासियों
के द्वारा और अंडमान के निवासियों और ब्रिटिश कॉलोनियल्स के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी 1859 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये लोगों की लड़ाई थी कि वो लोग अंडमान को स्वाधीन देखना चाहते थे, ब्रिटिश एम्पायर के अंडर नहीं देखना चाहते थे। और उससे पहले ही रॉस आइलैंड पे ब्रिटिश लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था। तो वहाँ आप जब रॉस आइलैंड जाएंगे तो वहाँ पे आपको जैपनीज़ बंकर और ब्रिटिश कॉलोनियल का जो पूरा सेटअप है वो दिखाई देगा। और इसके साथ ही जो मैं हमेशा आपसे बात करती रहती हूँ कि करतार सिंह क्लोथ स्टोर, वहाँ पे मैं गई थी शूटिंग। अंकल ने बोला कि नहीं करवाना चाहते हैं वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं करना चाहते हैं। तो बाज़ार में घंटा घर के पास IDBI बैंक के पास ये दुकान है, और मैंने यहाँ से क्या लिया वो आप आगे की वीडियो में देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला आइटम जो मैंने करतार सिंह अंकल की शॉप से लिया था, एक्चुअली करतार सिंह क्लोथ स्टोर है उसका नाम। वो जो अंकल बैठते हैं उनका नाम अमनजोत अंकल है और उनके फादर का नाम करतार सिंह है। और करतार सिंह अंकल की एक और शॉप है, मतलब करतार सिंह अंकल की, वो है लकी क्लोथ स्टोर, बिल्कुल उसके पास में ही जो है उनके फादर की शॉप है। तो ये जो पहला आइटम मैंने लिया था ये सैटिन का मटेरियल है, देखिए आप, बहुत ही ग्लॉस वाला गोल्डन कलर का, ये येलो गोल्डन कलर का कपड़ा है और इसका ग्लॉस बहुत अच्छा है, क्वालिटी बिल्कुल बहुत अच्छी है। अंकल की शॉप पे आपको क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर आप अंडमान में रहते हैं तो आप ज़रूर उनकी क्लोथ स्टोर को विज़िट करिएगा। अभी नहीं कह रही हूँ, आप लोगों को पता होगा जो लोग अंडमान में हैं कि हम लोग एक लॉकडाउन जैसे स्थिति में हैं, हाफ लॉकडाउन, 1 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हो जाती हैं और क्लोथ स्टोर वगैरह तो खुली वैसे भी नहीं है, सारे असेंशियल आइटम्स की दुकानें ही खुली हुई हैं। तो अभी आप कहीं भी मत जाएँ, अगर ज़रूरी नहीं है, सिर्फ काम पर जाना है तभी जाएँ। तो ये चीज़ मैंने परचेज, ये एक शर्ट पीस है जो मैंने लिया था, मैंने मेंस सेक्शन में जाके ये पीस लिया है, ये शर्ट पीस है। इसमें ये ब्लू कलर की यहाँ पे इस तरह से बूटियाँ बनी हुई हैं और ये इस तरह की रेड कलर की बूटी है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका टेक्सचर बिल्कुल खादी वाला टेक्सचर है। आप लोग को मैं पास से दिखाऊं तो आपको यहाँ पे धारियाँ दिख रही होंगी। इसके साथ ही मैं आपको एक टिप भी देना चाहती हूँ कि अगर आप विमेंस सेक्शन में कपड़े ढूंढ रहे हैं और आपको अपनी पसंद की नहीं मिल रहे हैं कुर्तीज़ बनाने के लिए, तो आप मेन सेक्शन भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए। मेन सेक्शन में बहुत अच्छी क्वालिटी के शर्ट पीसेज होते हैं, तो थान वाली शर्ट पीसेज आप ले सकते हैं और उससे आप अपनी कुर्तीज़ भी बना सकते हैं। तो इस तरह के कलर बहुत ही यूनिसेक्स कलर होते हैं जो आप किसी भी मतलब लेडीज़ या जेंट्स कोई भी बना सकते हैं। और यहाँ पे ये पिंक कलर की इसकी एज दी हुई है, ये देखिए, और इसमें रेड कलर का और ब्लू कलर का काम है। बनने के बाद ये बहुत अच्छा लगेगा, और ऑरेंज कलर का ये कपड़ा है तो लेडीज़ पर भी बहुत अच्छा लगने वाला है ये। तो इसके साथ ही मैंने ये जो लिया था ये शर्ट पीस, मतलब कुर्ता बनाने के लिए लिया है, लेडीज़ कुर्ता। आप चाहें तो इसके लिए जेंट्स के लिए भी शर्ट पीस इससे बना सकते हैं, इसका टेक्सचर खादी वाला है। और अंकल के पास मेंस कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, आप जाइएगा, क्वालिटी बहुत अच्छी है। अंकल ने मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं किया, इवन अंकल ये भी नहीं चाहते कि हम उनकी दुकान का वीडियो बनाएँ, क्योंकि वो बिल्कुल नो प्रॉफिट वाले थीम पे चलते हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी कोई बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हो। ये मैं अपनी तरफ से उनकी दुकान के लिए ऐसा वीडियो बना रही हूँ। और इसके साथ पेयर करने के लिए मैंने अंकल की शॉप से नेवी ब्लू कलर का ये एक ट्राउज़र के लिए या पजामा के लिए पीस लिया हुआ है, नीचे बॉटम बनाने के लिए। इसमें मैं डिसाइड करूँगी जब कुछ नॉर्मल हो जाएगा कि मैं क्या बनाना चाहती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इसके साथ इसका कॉम्बो बहुत अच्छा लग रहा है, प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं, मैंने कोई भी हाई प्राइसेस पे नहीं किए हैं। मेनलैंड में जैसे आपको प्राइसेस मिलेंगे वैसे ही प्राइसेस मैंने इसके लिए पे किए हुए हैं। तो कपड़े की क्वालिटी तो मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत अच्छी है, और शॉप जो है वहाँ जाएंगे तो अंकल का जब आप जेस्चर देखेंगे बहुत ही स्वीट नेचर का है, वो आपको चाय, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ ऑफर करेंगे। अभी तो कोविड है तो बहुत मुश्किल हो रखा है, मतलब इस तरह की हॉस्पिटैलिटी नहीं हो रही है और ना ही होनी चाहिए। आप लोग सब लोग ध्यान रखिए अपना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आइटम की ओर।
ने ये रेड कलर का चेक वाला पैटर्न लिया है जिसमें नेवी ब्लू कलर की लाइन है। ये भी मैंने अंकल की शॉप से मेंस सेक्शन से लिया था। जी हाँ दोस्तों, आप लेडीज़ सेक्शन में जब जाते हैं और आपको अगर लगता है कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंडी नहीं हैं या बहुत ज़्यादा क्लासिक नहीं हैं, तो आप जो है दूसरी सेक्शंस में भी जाकर देखिए, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं और आप उसको अपने तरह से रीस्टाइल या रीडिज़ाइन करते हैं। देखिए, कोई भी कपड़ा सिर्फ कपड़ा नहीं होता, वो एक उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरीज़ होती है और बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं। तो इस स्टोरीज़ जो होती हैं, आप उसको लुकआउट करिए कि वो कपड़ा आपसे क्या कहना चाहता है। तो हर कपड़ा जो होता है उसको एक आर्टिकल की तरह आप लोग ट्रीट कर सकते हैं। फैब्रिक कभी भी वेस्ट नहीं होता है, आप उसे जैसे चाहें स्टाइल कर सकते हैं। इसके साथ पेयर करने के लिए मैंने अगेन एक ब्लैक कलर का कॉटन का जो है वो कपड़ा लिया था अंकल की दुकान से, और ये देखिए इस तरह का, और ये कॉटन का है, ये भी कॉटन का है, जो मैंने आपको पहले दिखाया वो भी कॉटन के हैं, और ये बहुत रीज़नेबल रेट पे मुझे मिला था। इसका भी टेक्सचर जो है वो खादी जैसा टेक्सचर है। एक ये कपड़ा लिया है, ये पर्पल मजेंटा कलर का कपड़ा है और लाइनिंग का कपड़ा अंकल के यहाँ बहुत सस्ता मिल गया था मुझको 40 रुपीज़ मीटर के हिसाब से। हो सकता है आप लोगों को इससे भी सस्ता मिले, लेकिन क्वालिटी जो है 40 रुपीज़ के हिसाब से बहुत अच्छी है। उस पर भी अंकल ने मुझे डिस्काउंट दे दिया था, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मुझे कितना पड़ा होगा। तो ये मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया था, और ऐसे ही मैंने एक छोटा सा येलो कलर का, ये जो पूजा उजा पे ऐसे चढ़ाते हैं ना, इस तरह का कपड़ा होता है, माकिन जिसको बोलते हैं, बहुत ही पतले कॉटन का कपड़ा होता है, ये भी मैंने लिया था। ये 25 रुपीज़ मीटर मुझे मिला है, और इसी का एक रेड कलर का भी मैंने लिया था। तो दोस्तों, ये सारी जो शॉपिंग की थी मैंने कोविड से पहले की थी, और कोविड से पहले मतलब जब यहाँ पे ज़ीरो केसेस थे कोविड के, तब की थी। और धीरे धीरे ये सारा चीज़ एक दिन में मैंने नहीं परचेस किया है, एक एक करके परचेस किया है। और अंकल बहुत ही स्वीट हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा परचेस करेंगे तो वो आपको खुद ही मना कर देते हैं कि बेटा आप अपना ज़्यादा पैसा वेस्ट मत करिए। तो ये बहुत ही प्यारे अंकल हैं जो आपका पैसा वेस्ट नहीं होने देंगे। तो आप लोगों को कोई चीज़ पसंद आती है तो वो आपको बता देते हैं कि इतनी क्वांटिटी लगेगी, और उतनी ही क्वांटिटी आपको देते हैं, आपका पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देते हैं। तो यही मेरा अंडमान का छोटा सा मैंने आपको जो मार्केट दिखाया और मैंने क्या शॉपिंग की अपने व्यूअर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया है। प्लीज़ 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 आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देखिए इस समय में आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें मॉरल सपोर्ट मिलता है। शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको इन सारे कपड़ों में से, ड्रेसेस में से कौन सी अच्छी लगी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ, आप सब लोग अच्छे से रहें, और हम लोग दुआ करते हैं कि जल्दी ये जो वायरस है ख़त्म हो जाए और सभी के परिवार वाले हमेशा सलामत रहें। ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकलें। देखिए, काम काज के लिए तो बाहर जाना पड़ता है, जानती हूँ, पूरे प्रिकॉशंस रखिए। आप सब लोग दुआ करिए कि ये जो बीमारी है वो दुनिया से जल्दी ख़त्म हो जाए। अलविदा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।